एशियन डेवलपमेंट बैंक से 130 करोड़ रुपए की सहायता मिलने का जश्न। और लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी कारोबारी रियाज मलिक से सेटलमेंट के बाद 190 मिलियन पाउंड की रकम से एक दिन की बल्ले बल्ले चंद घंटों की ही मेहमान निकली। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कंगाली में आटा गीला ही निकलता है। यूं भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिन हालातों से जूझ रहा है उसमें मुश्किलें उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कर्ज मिलने की उम्मीदें जगती है या फिर कहीं से मिल भी जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे दूसरी बड़ी मुश्किल आ जाती है। इमरान सरकार ने जरूर सोचा था कि एडीबी से मिले लोन और रियाज मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग वाली मिली रकम से गधैया नृत्य करके दिखाएंगे, पर नवंबर 2011 का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। यह वही जिन है जो जुलाई 2019 में भंगड़ा करके गया था। दरअसल जुलाई महीने में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कंगाल पाक को बड़ा झटका देते हुए 40,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने खनन से जुड़े एक विवाद में फैसला सुनाते हुए केथ्यानको पर कंपनी, चिली की खनन कंपनी एंटोफागास्ता और कनाडा के बोरिक गोल्ड कॉरपोरेशन को 5,97,60,00,000 चुकाने का आदेश दिया था। हालांकि उस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरे मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने का आदेश दिया था, लेकिन मदरसा पैदाइश ने या भीतर खाने उक्त कंपनियों से रियाज मलिक की तरह ही सेटलमेंट वाली पैतरेबाजी चली। इमरान का अनुमान था कि इन कंपनियों को भविष्य में पाकिस्तान में ठेके दिलाने का लॉलीपॉप देकर मना लिया जाएगा, लेकिन ताजा खबर के अनुसार पूरे मामले की अगुवा केथ्यानको पर कंपनी ने किसी भी सेटलमेंट से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान को स्पष्ट बोल दिया है कि उन्हें 40,000 करोड़ रुपए का मुआवजा हर हाल में चाहिए। पीसीसी का कहना है कि इस विवाद में उनका 11,43,00,00,000 का नुकसान हुआ है, जबकि यह मुआवजा पर्याप्त नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पाकिस्तान को मुआवजे का पैसा देना ही होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में रेकोडिक परियोजना में केथ्यानको पर कंपनी को पाकिस्तान सरकार ने खनन का ठेका देने से इनकार कर दिया था। रेकोडिक को बलूची भाषा में रेतीली चोटी भी कहते हैं। यह खान बलूचिस्तान के चगाई जिले में है। माना जाता है यह दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सोने की खान है। टीसीसी ने सरकार से समझौते के बाद इलाके का व्यापक सर्वे कर खनन की संभावना से जुड़ी रिपोर्ट अगस्त 2010 में तैयार की थी। इसके बाद खनन का ठेका लेने के लिए फरवरी 2011 में आवेदन किया था, लेकिन नवंबर 2011 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी ने कंपनी के साथ सरकार का रेकोडिक समझौता रद्द कर दिया और इसे देश के खिलाफ बता दिया, जिसके बाद टीसीसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चली गई, जहां जुलाई 2019 में कंपनी के पक्ष में फैसला आया और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के करीब रकम चुकाने का आदेश दिया गया। टीसीसी द्वारा अपने निर्णय पर अडिग रहने से पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ गई है। इस वक्त पाक की हालत कोर्ट में खाद जैसी बनी हुई है। वे मित्र देशों और IMF ADB से कर्ज लेकर जैसे तैसे अपने दिन पूरे कर रहा है। ऐसे में मुआवजे की रकम पाकिस्तान की पतलून ढीली कर सकती है, यानी एडीबी से मिले 130 करोड़ रुपए उसके दाने पानी का जुगाड़ कर सकते थे, पर यहां तो पूरे 40,000 करोड़ की तलवार सिर पर लटकी हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में फिर से अपील की तैयारी की हुई है, लेकिन वहां से उनके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद ना के बराबर है। इमरान सरकार के शीर्ष अधिकारी इसी प्रयास में जुटे थे कि आपसी बातचीत में कोई सेटलमेंट हो जाए तो फिलहाल यह मुसीबत सिर से उतर सकती है। वैसे इमरान खान आजकल सेटलमेंट के तरीकों से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि नवाज बाजवा, रियाज मलिक, फजलुर रहमान सबसे सेटलमेंट करके ही पीछा छुड़ाया गया है। अब यह अलग बात है कि पीछा छूटा है या पीछा पहले से कहीं अधिक भारी हो गया है, क्योंकि इमरान सरकार का ईमानदार बनने का दिखावा बहुत से ईमानदारों को भूखे मरने पर मजबूर कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के भ्रष्ट मुल्ला अभी भी मजे में है। कमाल की बात यह है कि जुलाई माह के बाद पाकिस्तान के रुपए की घटी कीमत से मुआवजे की इस रकम में भी कई सौ करोड़ पाकिस्तानी रुपए की वृद्धि हुई है, यानी पिछवाड़ा तो बज ही रहा था, अब गाल भी बजाने की नौबत आ गई है।
पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एडीबी से मिले 130 करोड़ रुपए का कर्ज और रियाज मलिक की संपत्ति से आए 190 मिलियन पाउंड के बाद क्या अब भी पाकिस्तान में गधैया नृत्य है या बकरी कुदान हो सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।